लोग कितना जानते हैं आपके बारे में? आपने वो साइड दिखाई अपने कभी किसी को? अल्लाह दिखाया है, अभी तो नहीं स्टार्ट हुई है। अकेले में शायरी करते रहते हैं आप? शायरी अल्लाह की ओलिया कराम करते थे यार, वो जब एक स्टेज पे पहुंचते थे, एक शायरी एक गालिब साहब ने की है, एक शायरी लामा साहब ने की है, ठीक है, एक अल्लाह के इश्क में किया और एक उसने दूसरे के इश्क में किया। आपके फेवरेट शायर कोई एक शायर? लामा साहब यार, लामा साहब से बड़ा कौन है यार? कोई एक शेर? मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इसका तर्जुमा? उनके बेटे ने उनसे कुछ चीज मंगवाई थी बाहर से, अच्छा, तो उन्होंने उनको लिख के भेजा था, शेर लिख के भेजा था कि मेरा तरीका अमीरी नहीं फकीरी है, मैं फकीर हूँ, खुद ही ना बेच, खुद ही समझते हैं अंदर वाली, जी बिल्कुल, जमीर ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। सो आपने ये चीजें पढ़ पढ़ के और कुछ खुद भी आप ऐसे थे ज्यादा उसमें खो गए हैं? मेरा मकसद ना, मेरा दुनिया से ना ज्यादा तलक वास्ता है नहीं, जिस्मानी कमजोरियां जरूर है मेरे जी, बहुत है, वो हर इंसान के अंदर होती है, अट्रैक्ट और ओवरकम इट, अगर वो हो जाए ठीक है। देख मैं हर सेक्ट के साथ बैठ सकता हूँ, ठीक है, मैंने हर सेक्ट के बारे में पढ़ा, मैंने रायवेंड वालों के साथ टाइम लगाया, मैंने अहले तशी के साथ टाइम लगाया, ठीक है, मैंने अहले हदीस से टाइम लगाया, मैं खुद अहले सुन्नत हूँ, ठीक, मैं खुद नक्शबंदी सिलसिले का हूँ, मुझे हर सिलसिले से फैज लेना है, मुझे हर सिलसिले को जोड़ना भी है, ठीक है जी, ठीक है। और देखो यार, अल्टीमेटली बंदे का मकसद, अब मैं जब पूरी ज़िंदगी जब देखता हूँ ना, पिछले 25 साल, इस सारे 25 साल में ना सारी ज़िंदगी ना फजूल लगती है मुझे, सारा खेल तमाशा लगता है। अच्छा, 5 विकेटें ले भी ली तो फिर क्या हो गया? आप उससे पूछें जिसने 1 विकेट भी ना ली हो, फिर क्या हो गया यार? ये दुनियावी चीजें हैं, नाम बन गया तो मेरे से पहले भी क्रिकेटर थे, मगर अल्लाह की देन है, चोजन अल्लाह की देन तो है, टैलेंट है, लेकिन अल्लाह ने खेल कूद के लिए मुझे नहीं पैदा किया ना। अब मैं खेला कूदा, मेरा नाम वजह शोहरत मेरी ये बन गई, बिल्कुल ठीक है, कि मैं क्रिकेटर था, मैं फास्टेस्ट बॉलर हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे अल्लाह ने अहले ज़बान में बना दिया है, ठीक है जी, मैं बोलता भी तगड़ा हूँ जी, ठीक है जी, लेकिन अब मुझे यहाँ से अगला स्टेप क्या लेना है? मैं ये तो पूछ रहा था कि अगला स्टेप जो है ना यार, ये भीतरी की तरफ होना चाहिए, अब मुझे ये समझना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है यहाँ से, अब मुझे यहाँ से क्या ढूंढना है। दुनिया में फेम देख ली, पैसा देख लिया, ट्रैवलिंग कर ली, खा भी लिया, पी भी लिया, समुंदर का हर कीड़ा मकोड़ा मैंने खा लिया, गेम रिजर्व मैंने खा लिया, वाइल्ड लाइफ मैंने पूरी पढ़ ली, प्लैनेट अर्थ के बारे में जितना मैं पढ़ बैठा हूँ कोई शायद नहीं पढ़ा होगा, कुछ तकरीबन 500 ओलिया इकराम के बारे में पढ़ बैठा हूँ, कुछ मैं 450 सहाबा इकराम के बारे में पढ़ बैठा हूँ, सबसे बढ़ के मैं आले बैत के बारे में पढ़ बैठा हूँ, फिर मैं आप इस्लाम की जिंदगी के बारे में पढ़ बैठा हूँ, अब पढ़ बैठा हूँ, सही है, अब अमल की तरफ कैसे आऊँ मैं, ये तो वो जिंदगी कैसे अडॉप्ट हो जाए और मैं वो किरदार ऐसा अपना लूँ, वो इख्तियार में वो किरदार कैसे आ जाए जिससे मेरा इम्पैक्ट दुनिया में बैठे। मेरी वजह शोहरत तो शायद मैं हिस्ट्री का हिस्सा रहूँ, मैं तो दिल की बात कर रहा हूँ, मेरी वजह शोहरत शायद ये रहे, लेकिन मैं इस वजह से जिंदा नहीं रहना चाहता यार कि एक ये इंसान था, मैं इस वजह से जिंदा रहना चाहता यार कि एक अच्छा इंसान भी था, ठीक है, और अल्लाह की नज़र में जो बेहतर है वो बेहतर है, दुनिया की नज़र में वो बेहतर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। शोएब भाई, आप अपने YouTube पे इस किस्म की बात इनडायरेक्टली कर रहे होते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, यार वो समझते नहीं कि मेरी जिंदगी उन्होंने पता नहीं मेरी मीडिया ने पोर्ट्रे की हुई थी, हालांकि मैंने सियास सित्ता के साथ शरीयत और तरीकत भी पढ़ी हुई है जी, सुने अभी दाऊद से ले के सही बुखारी और सही मुस्लिम से ले के सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, ये एस्पेक्ट आप, ये आपकी पढ़ी हुई है, अच्छा, ज़ईफ हदीसों से हटा के मुस्तनद हदीसों से चीजें लेके फिर मैं रिलेट करता हूँ और अल्लाह जो चीज समझाता है फिर उसके बाद समझ लेता हूँ। अब ये सारी चीजें मेरी दिखाई नहीं गई, मेरी चीज एक दिखाई गई ब्लैक पॉइंट जी, क्योंकि लोग इट सेल्स ना कमर्शियल नहीं, ऐसा भी नहीं था कि उसमें मेरी गलती भी नहीं थी, मेरी गलतियां भी थी, मैं You know, I am the soul that who likes to do things very, very openly. आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना? लोग नहीं समझते कि मैं सोचता हूँ। आप ये सोचते होंगे, for example, अगर आपके ज़हन में ये बात आती होगी कि आपके पास ये इल्म है और अगर आपने अगर शो करना हो कोई चाहे रमजान ट्रांसमिशन, आप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप कहेंगे वो कमर्शियल हो जाएगा, और ये आप अपने हद तक रखना चाह रहे हैं, चंद लोग जो आपसे मिलेंगे तो अल्लाह का दीन बकाव नहीं हो सकता है, अल्लाह का दीन लोगों की भलाई के लिए, तो वो भलाई आप चैनल को क्यों नहीं यूज कर सकते? आप एक टीवी मैं सर्टिफिकेशन नहीं, मैं आलम नहीं हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मुझे जो अल्लाह ने सिखाया मैं बयान कर रहा, जो एक्सपीरियंसेस है मैं तुम्हें बता दी, मगर आपको यूथ फॉलो करती है सबसे ज्यादा, आपको यूथ फॉलो करती है? नहीं बस यही है भाई सुनो, मैं पहले भी बड़े से दोस्तों कहता हूँ यार देखो, पहले 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, उससे पहले वजू का तरीका सीख लो,
नमाज मुश्किल नहीं है, नमाज से जो बड़ी जो लड़ाई है ना वो वजू है। वजू लड़ाई क्या है कि सर्दियों की दिसंबर की रात और ईशा की नमाज पढ़नी है, गर्म कंबल तेरे टांगों में पड़ा हुआ है और शैतान तेरे बैग में हाथ फेर है, उठी ना नफ्स के साथ, उठी ना, ठंड बड़ी है, पानी गर्म नहीं है। सही बात है, ये जो वजू है ना और बेड से उठना और वजू के पानी में हाथ डालना, ये है सारी लड़ाई रहमान और शैतान के दरमियान। तो रहमान का है ये शैतान का है, समझे मेरी बात। अब बात सुन, बात ये है जी, अब रोज तो वो जीतता तुझसे, ठीक है, कभी तू भी तो जीत। बहुत खूबसूरत बात है, कभी तू भी तो जीत। मैंने कहा था कुछ में कि आज हम बहुत लर्न करेंगे शोएब भाई से, कभी वैसे वो जीतता है। अब कई दोस्तों को कहता रहता हूँ नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, नमाज ना छोड़ना, नमाज नहीं छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। और मेरे जैसे बंदे की नमाजें नहीं होती, मेरे जैसे बंदे की पेशियां होती हैं, समझे ना, हमारी कोई नमाजियां तो नमाजें तो जैसे बगदादी की हैं या बशुल हाफी की हैं या फिर उस्मान हारवनी के, ख्वाजा अजमेर या दाता साहब की नमाजें तो उनकी हैं या साहबा कराम की हैं या आले बैत की नमाजें, हमारी हमारे जैसे भी बंदों की पेशी हैं। और शुक्र करो पेशी के लिए बढ़ा भी लेता है, हाजिरी तो लगती रहती है, और हाजिरी हाजिरी वालों की होती है, हम जैसे गुनहगारों की पेशियाँ होती हैं, खड़ा हो जाए सामने, मेरी बात समझे। हाँ जी, तो अपने आप को जब आपने अल्लाह अकबर करके सरेंडर किया ना, जब अल्लाह अकबर हमेशा हमेशा हाथ खड़े करते हैं ना, गोली आप पिस्टल ऐसे क्यों करता है, तो आप करते ऐसे हो जाता ना, अल्लाह के सामने भी आप सरेंडर ही करते हो ना, ठीक है, अल्लाह अकबर करके बिल्कुल, तो सरेंडर करके हम ये अल्लाह आ गया तेरा गुनहगार तेरे सामने, बिल्कुल अब तेरी मर्जी, तू जान और तेरी रहमत जाने। एक हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है एपिक रैपिड फायर, एपिक मोमेंट इन लाइफ। आई थिंक मी बीइंग बोर्न अगेन आफ्टर द लूजिंग माय एल्डर ब्रदर शोएब, एंड देन आई थिंक द एपिक मोमेंट नॉट फॉर मी फॉर माय मदर probably was that keeping my name Shoaib again. Epic celebrity dost. Ali Zafar, Wasim, Shahrukh, Salman. Acha epic singer ya band? Junoon, all the way. Epic memory aapki? Me holding a ball in the picture when I was four. Four? 4 year old. Mujhe ball pakdaya unhone ki ek khada nahi ho raha tha shikhe jane. Mujhe ball pakdaya, main khada ho gaya. फिर उसके बाद कैसा खड़ा हुआ, जबरदस्त। ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। एक इंस्पिरेशन वैसे जो आप लोगों को देना चाहें, वैसे आप सारे बुजदिल पैदा होते हैं तो कन्फ्रंट यू फेस। ये मुझे ओरिजिनल लग रही है आपकी, दिस इज शोएब भाई कोट, राइट, जबरदस्त। हर प्लेयर किसी की दरियाफ्त होती है, आपको किसी ने स्पॉट किया था? मैंने अपने आप को खुद स्पॉट किया था, मतलब किसी एकेडमी से उस तरह से किसी ने आपको रिकमेंड किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था? हर बंदे को रिकमेंड करता है, लेकिन पहले मैंने अपने आप को रिकमेंड किया कि मैं इस चीज का अहल बन सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड देन यू मूव फॉरवर्ड, देन यू लीप फॉरवर्ड। शोएब भाई, पाकिस्तान के अलावा आपकी फेवरेट वेकेशन स्पॉट? मदीना शरीफ। वेकेशन स्पॉट नहीं, हाजिरी का स्पॉट है। और वेकेशन जहाँ पे आप थोड़ा अच्छा रहना चाहें, पसंद करते हैं, वहाँ का वेदर शेदर कोई चीज़ है? बस भाई, बहुत ट्रैवलिंग कर ली, बस चले इस्लामाबाद। जहाँ, अच्छा इस्लामाबाद ही, चले दैट्स इट। हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट शोएब अख्तर, एनीवन इन द वर्ल्ड जिसका बॉलिंग जे के आपको लग रहा हो यार क्लोजेस्ट मेरा, और आप उसके साथ स्पेल भी शेयर करना पसंद करना चाहते हो? प्रोबेबली नसीम शाह। So he's going to be the next closer to Shoaib Akhtar. Well, he can be if he has the attitude of me. आपके तो बहुत लोगों ने autograph लिए हैं। आपने कभी किसी का autograph या आप किसी के fan हो या काश मैं उसका लेता? मैं बहुत सारे के लिए, Andy Flower के लिए, इमरान भाई के लिए, वकार भाई के लिए, वसीम भाई के लिए। और किसी की हसरत रहेगी यार इसका पिक्चर खिंचवानी थी? मोहम्मद अली खिला। शोएब भाई, अब एक क्विक राउंड है, फेवरेट फूड? सब कुछ, लालू की माँ, लोबिया गोश्त, चाम पे दम पुख्त, माशाल्लाह। जो बेस्ट खाना जो मैं खाता हूँ, मुझे सब फटा तिक्का, पिशावरी खाना दुनिया से इससे बेहतर कोई नहीं बनाता है जो पिशावरी खाना बनाते हैं, बस पीरियड। फेवरेट रूटीन वर्ल्ड? इस्लामाबाद। बाबर आजम या फिर विराट कोहली? राइट नाउ विराट कोहली, बट बाबर इज कैचिंग अप। वकार यूनुस, वसीम अकरम या फिर शोएब अख्तर? ऑब्वियसली माइनस मी बोथ ऑफ देम, वसीम एंड वकार। आई के द कैप्टन और आई के द इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर? बोथ, चूज वन। एज अ कैप्टन, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं एज ए कैप्टन के साथ, वो मेरे कप्तान होते मैं खेलता हूँ सर। शाहिद अफरीदी या फिर शाहीन अफरीदी? ऑब्वियसली यार अफरीदी। शाहिद अफरीदी। समझने वाले समझ गए। वाइट बॉल या फिर रेड बॉल? वाइट बॉल। इंजर्ड लारा गैंगुली या फिर गैरी क्रिस्टन? थोड़ा सा दिल को खुशी हुई यार। नन या रिग्रेट? चले खुशी को मुझे रिग्रेट लारा। रिग्रेट लारा और गैरी क्रिस्टन टू and Saurav too, honestly all three of them, no मुझे नहीं अच्छा लगता मारना, मुझे नहीं अच्छा लगता। इन तीनों में से किसी ने आपसे शिकायत की यार मार दी पसली मार दी? बहुत करते करते थे बहुत।
हाउ कैन वी मेक सोशल मीडिया बेटर प्लेस टू लिव, योर आंसर इन 45 सेकंड्स. स्टॉप बैशिंग ईच अदर. स्टॉप बैशिंग ईच अदर. स्टॉप स्पीकिंग द लाइज. ऑलराइट. लाइज. स्टॉप पीपिंग. स्टॉप ब्रिंगिंग पीपल डाउन.